बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ राइस बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। और ये जो हम राइस बनाने लगे हैं, इनको हम एग फ्राइड राइस भी बोलते हैं, वो भी इसी तरह से बनते हैं। तो बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने सबसे पहले चिकन लिया था, ये तकरीबन आधा किलो चिकन था बोनलेस। इसको हमने बॉयल करके इस तरह से श्रेड कर लिया। और ये हमने 5 से 6 गाजरें ली थी, जिनको हमने इस तरह से काट लिया। ये प्याज लिया हमने इस तरह से, इसको हमने काट लिया गोल गोल। और ये शिमला मिर्च ली थी 4 से 5, और जिनको हमने इस तरह से लंबे रूप में कटिंग किया। और ये हमने एक बंद गोभी का फूल लिया था, जिसको हमने इस तरह से काट लिया। और कुछ हमने मटर लिए हैं, जिनको हमने बॉयल कर लिया। और 4 से 5 जो है हमने लिए थे लहसुन के, जिनको इस तरह से बारीक हमने चॉप किया। और 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको बारीक स्लाइस में काट लिया। और उसके बाद हमने ये सोया सॉस है, एक प्याली हमने सोया सॉस लिया। और ये मसाला जात हैं, मसाला जात में हमने 2 टेबल स्पून जो है नमक लिया, 1.5 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर लिया है, और 2 टेबलस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, और 4 अंडे लिए हमने। ये सब चीज़ें हैं जिनका हमने मिक्सचर रेडी करना है। तो बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है चाइनीज़ राइस बनाने का, एग फ्राइड राइस बनाने का, उसके लिए जो है हमने सबसे पहले चावल बॉयल करने हैं। चावलों को हमने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था, तो अब हम इनको बॉयल कर लेते हैं। पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था देगची में, अब हम इसमें देख लेते हैं पानी अगर बॉयल हो गए तो चावल ऐड कर दें। पानी हमारा बॉयल हो चुका था, अब हम इसमें ये चावल ऐड करेंगे। जब तक ये हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम अपने दूसरे स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। चावल हमारे तकरीबन 3 गिलास थे, ठीक है, उस हिसाब से आधा किलो थे। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो अंडों को हम फेंट लेते हैं। अंडों को हमने फेंट लिए, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये हमने पैन लेके इसमें थोड़ा सा घी डाला, ये थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हमारे इसमें अपने जो अंडे हमने फेंटे थे वो ऐड कर देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये फेंटे हुए अंडे ऐड कर देंगे। चावल जो हैं हमारे तकरीबन हो चुके हैं, थोड़े थोड़े हमने कच्चे रखने हैं, ठीक है, ताकि बकाया जब दम लगाएं तो पक जाएं। अब हम इसमें से छलनी की मदद से पानी निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह से हमने जो अंडा पका लेना है। ये अंडा आपका इस तरह से टूट भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही करना है पका कर। अंडा आपने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना। चूल्हे को उतार के आपने इस अंडे को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, देखें इस तरह से अच्छे से, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है 1 by 1 डाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट में क्या हमने ऐड करना है। अब हमने ये पैन में थोड़ा सा कढ़ाही में हमने घी डाला था, अब हम इसमें ये जो लहसुन चॉप किया हुआ है बारीक ये ऐड करेंगे। अब हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हमने ये जो हमारा लहसुन है ये लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें से हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। चिकन हमारा हो चुका है, अब हम इसमें ये गाजरें ऐड करेंगे। अब हमने गाजरों को अच्छी तरह से भून लेना है, इसमें 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे।
अब हम इसको देख लेते हैं, जो हमने गाजरें डाली थी वो नरम हो चुके हैं। गाजरें हमारी हो चुकी हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हम ये शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब शिमला मिर्च को भी, शिमला मिर्च को आपने ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि फिर बहुत नरम हो जाएगी और फिर इसका जो कलर भी है वो भी चेंज हो जाएगा, फिर आपकी चाइनीज राइस में ये थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आपने इसको बस लाइट सा ही फ्राई करना। अब हम इसमें नमक और चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से। करेंगे जो हमने बॉईल किए हुए थे थोड़े से मटर जो होते हैं वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं इस तरह से अगर हम भूने तो, इसलिए आपने उनको 5-10 मिनट के लिए पहले भी अलहदा से बॉईल कर लेने ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये देखने कितना मज़े का हमारा ये जो मिक्सचर है वो रेडी हो रहा है। अब हम ये बंद गोभी जो हमने काटी हुई थी ब्रीक ये ऐड करेंगे, इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने स्लाइस में काटा हुआ। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से आधा मिक्सचर निकाल लेंगे और आधे के ऊपर हम चावल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डालने दिया, बाकी हमने निकाल लिया। अब हम इसमें चावलों की, बॉयल हुए चावलों की एक लेयर डालेंगे लाइक इस तरह से। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े के बनेंगे ये। अब हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत मज़े के लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कितने टेस्टी लग रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत मज़े के लग रहे हैं। अब हम इसके ऊपर इसमें लास्ट पे थोड़े से चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये सोया सॉस ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से हमने ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है सब जगहों पर। अब हम इसमें चिली सॉस, ये चिली, ग्रीन चिली हमने स्लाइस में काटी हुई है, अब हम ये ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, बारीक चॉप की हुई। ये बहुत माशाल्लाह से ये बहुत मज़े के बने हैं, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें ये विनीगर ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे इस तरह से चम्मच की मदद से, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के ये बनेंगे, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखें बहुत मज़ेदार। इस तरह से हम इसको आहिस्ता से हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, इस तरह से हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
माशाल्लाह से कितने मज़ेदार हमारे चाइनीज़ राइस रेडी हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखें तो लें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारे चाइनीज़ राइस एग फ्राइड राइस रेडी हैं और ये बहुत ही माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।